ये जो क्लास आज मैं जो देने जा रहा हूँ आपको, ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्लास है। राधानाथ महाराज का तकरीबन मेरे पास अंदाज से 3,000 क्लासेस है। तो वो 3,000 क्लासेस में से ये एक मैंने मेरा ख्याल से 8-10 क्लास ऐसे है कि जो क्लास मुझे बहुत इंस्पिरेशन देता है। उसमें से 8-10 में से भी 4-5 क्लास ऐसे है कि जब भी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जब भी बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब वो क्लासेस में बराबर सुनता हूँ। वो जो 4-5 क्लास है उसमें से ये एक क्लास है। अभी तक मैं कह सकता हूँ प्रभु जी, पिछले ये क्लास 25 साल से मैं सुन रहा हूँ। मैंने तकरीबन आई माइट नॉट एग्जेजरेटेड बट आई माइट हैव हर्ड नॉट लेस देन 200 टाइम्स। मैंने 200 बार तो कम से कम ये क्लास सुना होगा। और मैं दावा के साथ मैं कहता हूँ, जब भी मैं ढीला होता हूँ ना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, ये क्लास मुझे हमेशा ऑन टाइट कर देता है। हमेशा मैंने देखा है, जब भी मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तब ये क्लास मुझे हमेशा जो है इट ब्रिंग्स मी ऑन द ट्रैक। ये प्रसंग ऐसा है प्रभु, शुड आई डिस्कस ऑन दिस क्लास, वन ऑफ द बेस्ट क्लास। प्रसंग ऐसा है कि रुक्मिणी जो है कृष्णा को खत लिखती है, और वो खत लिखती है तो उसके अंदर कृष्णा को ऐसा बता रही है कि कृष्णा मुझे पता है कि मैं आपकी पत्नी बनने के लिए लायक नहीं हूँ, मेरी क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारे सामने, मैं क्या हूँ आपके सामने, आप मेरा क्यों स्वीकार करोगे, लेकिन आपका तो जो आपको आपका जो क्वालिफिकेशन आपको जिस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन मेरे तरफ से मैं उतना कहती हूँ कि अगर आप मुझे नहीं स्वीकारोगे तो ऐसा मत समझना कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति के साथ में चली जाऊंगी और उसके पति स्वीकार करूंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं पूरे जीवन पर्यंत, आप नहीं स्वीकार करोगे तो पूरे जीवन पर्यंत मैं तपस्या करूंगी, पूरे जीवन पर्यंत जो है मैं आप ही को याद करूंगी, और पूरे जीवन याद करके पूरे जीवन पर्यंत तपस्या कर 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 के देह छोड़ दूंगी, देह छोड़ने के बाद मैं वापस जन्म लूंगी, क्योंकि मैंने मानव देह तो मिलेगा मुझे, वापस तपस्या करूंगी और वो तपस्या कर करके वापस देह छोड़ दूंगी, वापस जन्म लूंगी, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ। लेकिन कृष्णा उतना याद रखना कि मेरे लिए सिर्फ आप और सिर्फ आप ही ऐसे पति के रूप में होना चाहिए। ये भागवतम का वर्स है। और प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट लिखते हैं कि ये कोई मटेरियलिस्टिक स्त्री पुरुष का कहानी नहीं है, ये एक महान भक्त जो है किस तरह से कृष्णा के लिए डेस्परेट होता है। व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर डेस्परेट? लोयम। इतना तत्पर्य होता है, इतना डेस्परेट हो जाता है कि मुझे कृष्णा चाहिए ही, मुझे कृष्णा चाहिए। भौतिक दुनिया क्या करती है बताए प्रभु जी? आपको जो है पहले कृष्णा से अलग कर देती है, और कृष्णा से अलग करके जैसा आप कृष्णा से अलग हो जाते हो ना, और उसको भौतिक दुनिया को समझ में आ जाता है कि अभी ये कृष्णा भूल गया है, फिर ये भौतिक दुनिया आपको अच्छी तरह से उसको एक्सप्लॉइट करती है, आपको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लॉइट करेगी और एक्सप्लॉइट करके आपको फेंक देगी। आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी चीज़ लो, ये मोबाइल लो, चलो ना, ये मोबाइल क्या है एग्जैक्टली प्रभु? ये हमारे क्या, हम लोग 10-15 साल पहले मोबाइल के बिना नहीं जीते थे क्या? इतना सुंदर जीवन जीता था। आज के दिन ऐसी स्थिति है हमारी प्रभु, कोई भी व्यक्ति इवन काम वाली बाई भी मोबाइल के बिना नहीं जी सकती है।
कृष्णा से अलग अलग किया और अभी हमको इतना एक्सप्लोर कर देते हैं प्रभु जी। आज के दिन जो है ना, आदमी खाने का भूल सकता है लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी सकता है, करेक्ट। कृष्णा से अलग किया और अभी हम उसके पर डिपेंडेबल हो गए हैं प्रभु जी, सब डिपेंडेबल हो गए। हर एक चीज़ ऐसी होती है प्रभु जी। एक सिंसियर भक्त होता ना, यह भौतिक दुनिया को देख करके उसके जीवन के अंदर एक हकीकत में डेस्परेशन आ जाना चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए और मैं कृष्णा के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जब तक ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी ना प्रभु, कृष्णा स्वीकार नहीं करेंगे हमको। ठीक है, हमारे ये यथा मा प्रपद्यन्ते, हमको जिस तरह से हमने कृष्णा को सरेंडर किया है उतना हमको कृष्णा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर हमको टॉप मोस्ट चीज चाहिए तो प्रभु उसके लिए ऐसा द्रोप रुक्मिणी के जैसा कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कृष्णा ने वो खत लिखा, खित खत पढ़ा तो कृष्णा आए। लेकिन वो क्यों आए? क्योंकि ये माता जी की क्या स्टैंडर्ड था भाई, है समझ ना प्रभु जी। हमको भी अगर कृष्णा अगर चाहिए ना, तो हमको भी ऐसा डेस्परेशन और कीमत चुकाने की तैयारी होनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आपको पता है कि जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बोला कि अगर तुमको तुम्हारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करनी है तो जब तक आपको गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप जो है कभी भी भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर सकोगे, और अगर आपको हकीकत में कृष्ण भक्ति में एडवांसमेंट करना है तो आपको गौर किशोरदास बाबा जी का शेल्टर लेना पड़ेगा। तो वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास गए। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, गौर किशोरदास बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपना नाम लिखने को भी नहीं आता था, लेकिन उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इतना स्ट्रांग था कि, और उसके सामने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने इंटेलिजेंट थे कि उनकी 5 साल की उम्र में ही उनको पूरा भगवद गीता कंठस्थ था, 5 साल की उम्र में। अगर आप ब्रह्म संहिता अगर पढ़ोगे ना तो भक्ति उनका जो परपट लिखा होगा ना प्रभु जी, मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि क्या उसका परपट है। इतना हाई स्टैंडर्ड का इंग्लिश लिखा है उन्होंने, बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, इतना इतना विद्वान, इतने विद्वान नहीं बोला सकते लेकिन इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और उसके एकदम ऑपोजिट गौर किशोरदास बाबा जी जरा भी पढ़े लिखे नहीं थे। और भक्ति विनोद ठाकुर उनको क्या बता रहे हैं, तेरे को अगर भक्ति के अंदर एडवांसमेंट करना है तो गौर किशोरदास बाबा जी का सहारा ले, करेक्ट। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी जो है इतना ऊंचा स्थिति होने के बाद में भी उनको रियलाइजेशन आया कि अगर मुझे गौर किशोरदास बाबा जी का सहारा नहीं मिलेगा तो मेरा स्पिरिचुअल लाइफ में कोई एडवांसमेंट नहीं होने वाला है। ये सब चीज़ तो एकेडमिक है यार, क्या भगवत गीता पढ़ने को आ गया ना, कंटस्ट हो गया तो उसमें कुछ एडवांसमेंट नहीं होता है। कृष्ण भक्ति के अंदर देर इज़ नो एडवांसमेंट इन दैट वे। कोई भी किसी को इंटेलिजेंस होता है तो बोल सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर रियलाइजेशन। आपका एडवांसमेंट, आपका लोयम, आपकी डेस्परेशन क्या है कृष्णा के लिए। और जब भी ऐसा बताया गया कि गौर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी को बोलते थे कि मेरे को आपसे शरण लेना है, आप मुझे स्वीकार करो शिष्य के हिसाब से, और गौर किशोरदास बाबा जी उनको बोलते, अरे तुम्हारा और मेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है भाई, मैं तुमको क्या कृष्ण भक्ति दे सकता हूँ, बाद में आओ। तो फिर बाद में आए, ठीक है, अभी तक मैंने विचार नहीं किया है और मैं महाप्रभु को पूछ करके बताऊँगा। दे हैड रिलेशनशिप गौर किशोरदास बाबा जी महाप्रभु। तो फिर वापस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आपने महाप्रभु से पूछा, आपको महाप्रभु मिले, तो कहा हाँ मिले, आपने बात किया, तो कहा मैंने बात मिला, मैंने बात भी हुआ, मेरे लिए कुछ बात किया कि नहीं, तो कहीं मैं तुम्हारे लिए बात नहीं किया है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझ में आया कि मेरा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ये व्यक्ति मुझे स्वीकार नहीं करेगा। जब वापस आए तो पूछा कि आप मुझे स्वीकार करोगे क्या। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, ये व्यक्ति एकेडमिकली तो कहाँ का कहाँ है, लेकिन स्पिरिचुअली जो है उनको पता चला कि इनका सहारा नहीं लूँगा तो मेरी कोई भक्ति में एडवांसमेंट नहीं होने वाली है।
प्रभु वो स्टैंडर्ड, फिर तभी भी गौर किशोरदास बाबा ने बोला कि नहीं अभी तक नहीं विचार किया है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को समझ में आ गया कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है अगर ये व्यक्ति ने मुझे स्वीकारा नहीं तो, मैं क्या जीता हूँ यहाँ पे। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि अभी आई एम रेडी टू डू सुसाइड, मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आप मेरे को स्वीकारते नहीं हो, क्या मेरा जीवन का मतलब है। दिस इज डेस्परेशन प्रभु, दिस इज डेस्परेशन। ये व्यक्ति बोले कि नहीं मैं क्या मतलब है अभी इतना ऐसा कह सकते अरे तुम नहीं तो दूसरा, ऐसा नहीं हमारा तो इस्कॉन में चलते हैं ना, ऐसा लोग बोलते हैं ना, ये गुरु नहीं तो ये गुरु, क्या स्टैंडर्ड है क्या ये, दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इज। लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर का वार्तालाप मालूम है ना प्रभु, जब लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं दिया तो ऐसा नहीं नरोत्तम दास, वहाँ पे तो उस समय जीव गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी भी थे, सनातन गोस्वामी, सब लोग थे, लेकिन वो इंटरेक्शन प्रभु जी, वो एक अटैचमेंट हो जाता है कोई व्यक्ति के साथ में। हमारे आचार्य बताते हैं एक स्त्री होती है और एक पुरुष होता है और वो लोग को दोनों का आदान प्रदान हो जाने के बाद में उसको समझ में आता है यही व्यक्ति मेरे साथ में जीवन पर्यंत रह सकता है। तो एक स्त्री जो है कभी भी दूसरे पुरुष के सामने देखती भी नहीं है। दिस इज द वे ए रिलेशनशिप शुड बी देयर बिटवीन गुरु एंड डिसाइपल, इट इज अ बॉन्ड प्रभु, इट इज अ बॉन्ड। जब ही उनको पता चला कि नहीं, ही वॉज रेडी टू डू सुसाइड, जब ही गौर किशोरदास बाबा जी ने वो देखा तभी उसको बुलाया चल अभी आ जा, यू आर अ राइट कैंडिडेट फॉर गिविंग इनिशिएशन। दिस इज वॉट डेस्परेशन मीन्स। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट ए चीप थिंग प्रभु, इज नॉट ए चीप थिंग। प्रताप रुद्र महाराज, कल रथ यात्रा गया ना, प्रताप रुद्र महाराज को जब पता चला, सर्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया कि मैं अभी महाप्रभु तुमको नहीं मिलेंगे, तुम्हारे बच्चों को भेजो, बच्चे को कृपा देगा लेकिन तुमको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्यों मुझे कृपा नहीं देंगे, मेरे में क्या प्रॉब्लम है? तो एक ही प्रॉब्लम है कि तुम राजा हो, तुम ओरिसा के राजा हो, और राजा को जो है सब, राजा जो है सब भौतिक चीज के साथ में बहुत आसक्त रहता है, तो महाप्रभु उससे दूर रहना चाहते हैं। जब प्रताप रुद्र महाराज को पता चला कि मैं राजा होने की वजह से मेरे को महाप्रभु की कृपा नहीं मिलने वाली है, प्रभु जी वो क्लियर उन्होंने आकर के कह दिया सर्वभौम भट्टाचार्य को, आई एम रेडी टू लीव माई किंगडम एंड बिकमिंग ए बेगर, मैं एक भिक्षुक होने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे महाप्रभु की कृपा चाहिए। दिस इज डेस्परेशन प्रभु, ये तैयारी है। जब ये देखा, सी महाप्रभु इज अ कृष्णा हिमसेल्फ, उनको क्या कृपा दिया है प्रताप रुद्र महाराज ने, कल रथ यात्रा के अंदर मालूम है ना, वो जो है एक जगह पे जाने के बाद में जो है फिर प्रताप रुद्र महाराज ने गोपी गीत गाया और वो जब तब कथामृतम जो है वो जो वर्ष गाया बाद में, क्या महाप्रभु ने उनको कृपा दिया, क्यों? क्योंकि ही हैड प्रूव्ड हिमसेल्फ इज डेस्परेट फॉर कृष्ण। रुक्मिणी एब्सोल्यूट डेस्परेशन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एब्सोल्यूट डेस्परेशन, मुझे चाहिए कृष्णा, गुरु के बिना मुझे कृष्णा नहीं मिलने वाला है। प्रताप रुद्र महाराज एब्सोल्यूट डेस्परेशन। गोपिया, प्रभु हमको मालूम है कि जब शरद पूर्णिमा के दिन जब कृष्णा ने जो है बांसुरी बजाई है, खाली बांसुरी बजाई है, खाली बांसुरी है, दैट्स नथिंग करे, ऐसा कुछ नहीं है, इनविटेशन है, लेकिन कृष्ण ये लोग को ऐसा डेस्परेट था कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए, क्या डेस्परेट दिखाया, डेस्परेशन दिखाया गोपियों ने प्रभु जी, इट इज़ नॉट ए चीप थिंग। आज के दिन 5000 साल के बाद में भी हमारी कोई माता जी रात को 9 बजे 10 बजे के बाद में छोड़ दे, हम घर से बाहर निकल सकते, अकेली जाएगी वो समय में क्या उन्होंने डेस्परेशन दिखाया प्रभु जी। राधानाथ महाराज बहुत सुंदर कहते थे कि ये गोपिया को पता है कि कृष्णा के साथ में कितनी बार बांसुरी बजा करके खड़े रहेंगे, आदान प्रदान करेंगे, 2 घंटा 4 घंटा बाद में तो उसको घर पे ही आना पड़ेगा, और वो घर पे आने के बाद में उनको वो स्त्रिया को कोई स्वीकार करने वाला नहीं है, पूरे लाइफ पर्यंत किस तरह से वो जिएगी।
फिर भी कृष्णा के लिए इतना डेस्परेशन था प्रभु, दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग. कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट चीप प्रभु, इट्स नॉट चीप. आपको बहुत ऊंची चीज चाहिए तो उसके लिए ऊंची कीमत देनी पड़ती है भाई. चांटिंग डांसिंग फिस्टिंग इज वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल, नथिंग रॉन्ग इन टू इट. पर जब व्यक्ति डीप में कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाता है ना, तब उसको देखना पड़ेगा. हमारा आचार्य, हमारी परंपरा बता रही है कि बहुत ऊंची चीज चाहिए तो उसके लिए ऊंची चीज देनी पड़ेगी भाई, बहुत ऊंची चीज देनी पड़ेगी वरना नहीं मिलेगा. कृष्णा जो है ना बड़े चतुर है भाई, बड़े चतुर है. वो ऊंची चीज देने के पहले बराबर चेक मारेंगे भाई, बड़ा चेक करेंगे भाई ये इसके लिए लायक है कि नहीं. क्योंकि जो है ना, जब जो जो व्यक्ति को शुद्ध भक्ति दिया जाता है ना प्रभु, कृष्णा उसके दास हो जाते हैं, पूरे दास हो जाते हैं. कभी कृष्णा किसी के दास हो गए क्या, जब तक वो उसको पक्का पता नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति उसके लिए लायक है कि नहीं. सब दे देना पड़ेगा भाई, सब दे देना पड़ेगा. मैं हमेशा विचार करता हूं, ये हरिदास ठाकुर का हमको पास्ट टाइम पता है ना. हरिदास ठाकुर को वो वेश्या जो है उसको रामचंद्र खान उनको बोला था कि तुम इसको जो है उसका जो है उसका उसका उसको भंग करो और तुम जा करके उसको एल्योर करो. अभी वो पास्ट टाइम मालूम है, 3 दिन हरिदास ठाकुर रात को पूरे रात जपा करते रहे, जपा करते रहे और वो वेश्या का पूरा परिवर्तन हो गया. करेक्ट, ये पास्ट टाइम हमको पता है. लेकिन प्रभु हम उसके आगे थोड़ा जाते नहीं है. अगर थोड़ा आगे जाएगा तो हमको पता चलेगा कि वो वेश्या ने भी क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट दिखाया है भाई, क्या पहले के जीवन था उसका. नो डाउट हरिदास ठाकुर की असीम कृपा उनको मिली है डेफिनेटली, लेकिन उसकी भी सिंसेरिटी थी. वी हैव टू डोंट हैव टू फॉरगेट दैट. उसको जब ये पता चल गया कि इसके सिवा ऊंचा चीज कोई भी जीवन में नहीं है, वो व्यक्ति ने जो है ना उसके पास जो कुछ भी थी अमानत वो सब उसने दे दिया, बेचा नहीं है. हमारे आचार्य बहुत क्लियर बताते हैं, उसने बेचा नहीं है, उसने सब दे दिया है. गिव इट अवे, नॉट सोल्ड इट, सब दे दिया उसने. सब दे देने के बाद में हरिदास ठाकुर जो गुफा में बैठते थे वहां पे वो बैठी, और वो भी जो है पहले से फिर रोज 192 राउंड्स करती है वो एवरीडे. अरे प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, जो व्यक्ति ने एक माला भी नहीं किया है वो धार करके 192 राउंड्स तक चली है. नो डाउट हरिदास ठाकुर की कृपा है, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड हर सिंसेरिटी ऑल्सो. क्या डेस्परेशन दिखाया होगा वो माता जी ने एक वेश्या से लेकर के 192. बाप रे, क्या मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं है, क्या क्या स्टेप हो गया यार, कहाँ का कहाँ. दिस इज डेस्परेशन प्रभु. शी हैज प्रूव्ड हर डेस्परेशन प्रभु. ऐसा कुछ मफत में थोड़ी मिला है उसको, पूरा दिखा दिया उसने लाइफ में, पूरा दिखा दिया. मेरे को हमेशा जो है ना वो मेरे को हमेशा क्लास को ही अच्छा लगता है, जो बैगिंग हरिदास ठाकुर में राधानाथ महाराज बोल बोलते हैं ना कि अगर तुमको हरि नाम का टेस्ट चाहिए तो चार चीज चाहिए आपको, चार चीज देनी पड़ेगी आपको. आपकी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए तो ही आपको हरि नाम का टेस्ट आएगा. आपको सर्विस एटीट्यूड होगा तो ही आपके हरि नाम का टेस्ट आएगा. आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं होगा, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए तो ही आपको हरि नाम का टेस्ट आएगा. लेकिन चौथा चीज महाराज बहुत हैवी बोलते हैं, ये होने के बावजूद भी हो सकता है आपको हरि नाम का टेस्ट नहीं आएगा प्रभु. वो चौथा चीज जो आपको चाहिए ना, वो महाराज बता रहे थे कि अगर तुमको हरि नाम का टेस्ट चाहिए तो आपको कृष्णा को बताना पड़ेगा कि कृष्णा आई एम रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर गेटिंग द टेस्ट इन चांटिंग द होली नेम. प्रभु ये वाक्य बहुत हैवी है, बहुत हैवी वाक्य है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी प्रभु, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी प्रभु जी. बहुत एनीथिंग एंड एवरीथिंग यानी बहुत हैवी है. कल हमको अगर बोला जाएगा, सॉरी टू से यार, मैं मेरा प्रैक्टिकल बताता हूँ, आपको एप्लीकेबल होगा कि होगा नहीं होगा तो मुझे पता नहीं है. आज हमको बोला जाएगा ये प्रभु तुमको हरि नाम का टेस्ट देने के लिए कृष्णा तैयार है, कृष्णा तुमको तेरे के लिए तैयार है, लेकिन उसके सामने उसकी कीमत यह है कि तुम अच्छा घर में रहते हो ना,
घर से निकलना पड़ेगा पहला। दूसरा हरि नाम का टेस्ट, उससे ऊंचा चीज है ही नहीं है, पता है फिलोसॉफिकली अक्कल है अपने को, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, झुपड़ी के अंदर रहना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा। और भिक्षा के अंदर कुछ सेविंग बेविंग नहीं है, रोज भिक्षा मांग करके खाना पड़ेगा। ठंडी बरसात आएगा तो बरसात में अंदर झुपड़ी के अंदर पानी भी आएगा। ये सब चीज होगा, लेकिन ये सब होगा, लेकिन उसके सामने तुमको हरि नाम का टेस्ट दे देगा भाई, ये हरि नाम का टेस्ट तुमको दे देगा। मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, तुम हमारे MBA में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। प्रभु हम ऐसा बोलेंगे कॉस्ट ज्यादा है बेनिफिट कम है, और हम उसको रिजेक्ट करेंगे। आप लोग का नहीं होगा प्रभु, आई कैन से अर्जुन भी वो स्टैंडर्ड नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है बेनिफिट कम है। हरि नाम हमको फिलोसॉफिकल मालूम है, कृष्णा इज इन हरि नेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड कृष्णा इज होली नेम, सब पता है। लेकिन ये कीमत चुकाने के लिए बोले गए, यू विल से नो नथिंग, दैट इज द रीजन वी डोंट हैव कृष्णा प्रभु, दैट इज द रीजन। हमारे ये सब एग्जाम्पल्स आप देखते जाओगे ना प्रभु, ये सब लोगों ने क्लियर कट बता दिया कृष्णा को, ये सब के सामने तुम मेरे लिए महत्व का है, ये सब चीज महत्व की नहीं है। वो लोग ने डेस्परेशन से कृष्णा को बता दिया, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट नॉट दिस, एंड देन कृष्णा एक्सेप्टेड देम, कृष्णा ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये लोग ने खाली बातें नहीं किया बट दे हैव प्रूव बाय देयर एक्शन ऑल्सो। बलि महाराज को सब दे देना पड़ा। क्या दे देना पड़ा प्रभु जी, ये हमारे आचार्य है, ये हमारा शास्त्र है, ये हमारी परंपरा है भाई। बलि महाराज को सब दे देना पड़ा, और देने के बाद में फिर कृष्णा उसके बॉडीगार्ड के सिक्योरिटी वाले आदमी के जो भी है वो कृष्णा तब बाद में हुए हैं, लेकिन उसके पहले तो पूरा रगड़ा दिया है भाई, पूरा रगड़ा है। नो पेन नो गेन, बहुत सिंपल है भाई। यहाँ पे हम लोग जो करेंगे ना चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग, ओ चलो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वी विल गेट बेनिफिट डेफिनेटली, बट गॉड यह बहुत ऊंचा देता है भाई। गॉड यह संप्रदाय के अंदर क्यों भागवतम को पूरा टॉप मोस्ट किया गया है, क्यों टॉप भागवतम को हम लोग बहुत ऊंचा शास्त्र गिनते हैं, क्योंकि भागवतम सिर्फ शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, उसका दूसरा कोई चर्चा नहीं करते। भागवतम ओनली टॉक्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, नथिंग एल्स। That's why we get attached to Bhagavatam. I don't know whether you know it or not. Gaya मालूम है? आप लोग गए, गया में गए ना? गया के अंदर जो लोग के कोई दादा परदादा गुजर गए तो हम लोग वहाँ पे श्राद्ध करने जाते हैं, मालूम है? वो श्राद्ध करने जब जाते हैं ना प्रभु जी, तो वहाँ पे एक नियम है कि अगर आप जब भी श्राद्ध करो और सब पिंडदान और वो सब जब दे दो ना, फिर बाद में आपको बोला जाता है कि अभी ये जो व्यक्ति जो जिसके लिए तुम श्राद्ध कर रहे हो उसको अगर तुम उसके पर अटैच्ड हो रहे, उसको तुम हकीकत में तुम उसके लिए यू वांटेड टू शो योर रेसिप्रोकेशन, तो आपको जिंदगी के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है ना वो आपको लाइफ लॉन्ग छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा नियम है। आपको वहाँ पे जा करके आपको एक कोई भी चीज़ जो आपको बहुत ही प्रिय है वो व्यक्ति के ऑन हिज रिमेम्बरेंस और उसके लिए लाभ के लिए आप उसको लाइफ लॉन्ग छोड़ देना पड़ेगा। मेरे पिताजी जो थे ना वो भी गए थे मेरे दादाजी का श्राद्ध करने के लिए, तो उनको भी बोला गया कि तुम जो है ये कोई भी एक चीज़ लाइफ लॉन्ग छोड़ना पड़ेगा। अभी लोग जो है ना प्रभु जी क्या करते हैं मालूम है, वो ऐसा नहीं वो लाइफ लॉन्ग छोड़ेंगे सही, लेकिन जो उसको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ छोड़ेंगे। मेरे बोला क्या उनको, हम लोग सब मेरी मम्मी ने और सब ने बोला कि वो तम्बाकू खाते थे, वो आप तम्बाकू छोड़ दो, सबसे बढ़िया ये है दादाजी, वो तम्बाकू कैसे छोड़ेंगे वो। तो वो उन्होंने पेरू छोड़ा, पेरू पोमग्रेनेट। मेरे को लगा तुम पेरू तो, क्यों मैं खाता ही नहीं था ना इसलिए छोड़ दिया, बट दैट इज़ नॉट इन ट्रू वे, दैट इज़ लव।
बेसिक थिंग ये क्या है कि अगर एक छोटा सा व्यक्ति को भी हमको प्रसन्न करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये शास्त्र बता रहा है गया के अंदर, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी आप शास्त्र जाओगे ना वहाँ पे गया में, तो आपको आपको पता है ना भाई, यू नो दिस थिंग दिस, तो ये जो है आपको एक चीज़ छोड़ना पड़ता है। मैं विचार करता हूँ प्रभु कि अगर हमको कृष्णा को प्राप्त करने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा यार, इट विल बी सो ईजी, इज इट सो ईजी प्रभु, इतना सहला है क्या? और हकीकत में बहुत ऊंची चीज़ हमको दे रहे हैं कृष्णा भाई। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी गुड़ाकेश प्रभु अभी गए यहाँ से, बराबर है, अभी आई कैन से विथ 100% कन्विक्शन, 100% कन्विक्शन मैं बोल सकता हूँ, ये व्यक्ति जो बैठा था यहाँ पे, उसको डेफिनेटली हरिनाम का टेस्ट आ गया है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। ये व्यक्ति मेरे लाइफ के अंदर प्रभु जी अभी तक ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं है, बोले लोगों को समझा नहीं समझा आई डोंट नो, इट इज़ नॉट ए जोक प्रभु कि रोज का 24 घंटे में 12 घंटा खाली जपा करना जोक नहीं है, 365 दिन जपा करना आउट ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, इसको जपा का टेस्ट आ गया है, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, सालों के सालों चल रही है। अभी कल की बात करता हूँ मैं, कल जो है वो कल रथ यात्रा थी और कल राधा गोविंद महाराज का व्यास पूजा भी था, तो व्यास पूजा में भी बोले कि मैं 2.5 घंटा व्यास पूजा में बैठा, फिर रथ यात्रा के अंदर भी उन्होंने बहुत कीर्तन किया, उसमें भी बहुत कीर्तन करवाया, वो सब करने के बावजूद प्लस मॉर्निंग में मंगल आरती भी किया होगा, भागवतम क्लास वो सब भी अटेंड करने के बाद में भी उन्होंने अपना 12 घंटे का जपा छोड़ा नहीं है। कल रात को मैं जब मैं उनको मिलने गया तो बोले कि अभी भी अभी उस समय कुछ 9 बजे के 8 बजे था ना, कितना आएगा था 8 बजे थे, तो 8 बजे थे तभी बोले मेरे को प्रभु मेरी 13 माला और बाकी है, मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पूरा दिन का शेड्यूल इतना टाइट था कि मैं माला नहीं ख़त्म कर पाया। तो मैंने उनको बताया कि प्रभु जी कल सुबह में आप आ पाओगे, तो आज का पूरा दिन इतना मैं थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ, पूरा दिन हेक्टिक गया है, लेकिन जब मैंने उनको बोला ना प्रभु आप आओ ना, ये सब हमारे यहाँ पे अच्छा जपा होता है, आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैंने थोड़ा 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 अपना बनियागिरी होता था ना, तो मैंने बोला कि वो हमारे निर्जल में लोग इतने आए थे, क्योंकि उस दिन निर्जल के दिन उन्होंने मुझे वृंदावन से टेलीफोन किया था, खास वृंदावन से मुझे टेलीफोन किया था, तो उनको पता था, तो तभी मैंने बोला कि उस समय मैंने उनको फिगर छोटा दिया था क्योंकि दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे कुछ ऐसा बताया था, तो मैंने बोला प्रभु जी लेकिन उस समय हमारे निर्जल के दिन 150 जितना भक्त आ गए और 192 में भी आज ऑलरेडी 78 डिवोटीज ने तो नाम भी दे दिया है, उनको इतना उत्साह हो गया ना प्रभु, ही बिकम सो फायर्ड अप, मैं उनका फेस देख रहा था प्रभु, इतने थके हुए होने के बावजूद भी बोले मैं पूरी कोशिश करता हूँ कल सुबह में आपके वहाँ पे जपा करने आने के लिए। आई कुड अंडरस्टैंड, ये व्यक्ति को इतना टेस्ट है हरे नाम का, इतने थके थे तो कि नहीं मैं कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी अभी जपा कर लेता हूँ, अभी मैं जो है ना दरवाज़ा बंद कर दूँगा, कोई आएगा नहीं मुझे मिलने के लिए, और 9 बजे तक मेरा जपा ख़त्म करूँगा, 9 से 2 बजे तो उनको उठना पड़ता है क्योंकि वो 120 माला ख़त्म नहीं होती है, 128 माला, तो क्यों फिर कैलकुलेशन करने लगे, 5 घंटे का नींद हो जाएगा, बस मैं आ जाता हूँ आपके वहाँ पर, और मैं भी रिलैक्स था कि आएंगे प्रभु जी अच्छा क्लास देंगे सब अच्छा जाएगा, और आ भी गए, आ भी गए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि आज उनको भागवतम क्लास गिरधारी मंदिर में भागवतम क्लास दे रहेगा था, सो आई कुड नॉट टेल देम दैट यू कम एंड गिव योर क्लास ओवर हियर, भागवतम क्लास उनको वहाँ पे देने का, इसलिए वो चले गए यहाँ से, बट आई कुड अंडरस्टैंड प्रभु कि ये व्यक्ति को टेस्ट मिला है, लेकिन थोड़ा उनके पीछे का लाइफ देखो प्रभु, उनके पीछे के नाउ आई डोंट नो सो मच अबाउट इट, बट जो मैंने सुना है उन्होंने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, सब दे दिया उन्होंने, सब दे दिया। एक इंसिडेंट तो मुझे वो भी पता है कि उनके एक धरती कम हुआ था ना, तो उसके अंदर उन्होंने जो किसी को जो पैसा दिया था वो पूरा सब पैसा चला गया, कृष्णा ने सबको टेस्ट मारा है प्रभु, पूरा टेस्ट मारा है, और हर टाइम उनको दिखाना पड़ा कृष्णा को कि मुझे आपसे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है लाइफ में, तभी उनको टेस्ट मिला है। वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा प्रभु, वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा, फॉर मी
My spiritual life is more important than anything else in this material world. उसका ये मतलब नहीं है प्रभु हम जवाबदारी से भागेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, हमने जवाबदारी किया है, खड़ा किया है, भागेंगे तो माया है यार. अंदर रहने का, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का, पूरा संघर्ष करने का, और वो करने के बाद में अंदर से पूरा डिटैच रहने का, और खाली कृष्णा को ये कहने का मुझे उसका कोई फायदा नहीं चाहिए, तुमको सिर्फ प्रसन्न करने के लिए ही कर रहा हूं मैं, और उसका कोई भी एडवांटेज मिलता है तो कृष्णा से ये बोलने का मुझे कुछ एडवांटेज नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को सिर्फ प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, एडवांटेज कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपको प्रसन्न करना है. दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट डेस्परेशन इज. इफ यू वांट समथिंग हाई, पे द प्राइस. इफ यू डोंट वांट टू हैव समथिंग हायर, बी गुडी गुडी, एज सिंपल एज दैट. गुडी गुडी रहता है, गुडी गुडी सब लोग रह सकते हैं प्रभु, कृष्णा भक्ति में गुडी गुडी चलता है, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग चलता रहेगा, कोई बाधा नहीं है. देयर इज नथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग. लेकिन मेरे को एक अच्छा भक्त ने कहा था कि प्रभु एक ना एक दिन तो हमको वो भक्ति प्राप्त करनी है, तभी तो जो है इधर से बाहर निकलेंगे. क्यों ना अभी, क्यों ना अभी. अभी आप बोलेंगे प्रभु ये बहुत हैवी है, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, हम नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट नाउ. हम कुछ तो शुरू करेंगे. शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम, जैसे वो गया के अंदर एक चीज़ अच्छी छोड़ देते ना अपने पिताजी के दादाजी के लिए, ऐसा हमको भी जो है शुरुआत करनी पड़ेगी. कृष्णा में इतना तो ऊंचा स्टैंडर्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या हरिदास ठाकुर या प्रताप रुद्र महाराज या ये सब लोग के जैसा तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी कैपेसिटी के बाहर है, मैं समझने के लिए भी कैपेसिटी के बाहर है. लेकिन एटलीस्ट मैं अभी मैं कुछ तो शुरू करना चाहता हूँ डेस्परेशन दिखाने के लिए. एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विथ समथिंग प्रभु. ये समथिंग क्या है? समथिंग यानी हमको खुद को पता चलता है कि कोई चीज़ जो चीज़ जो ऐसी है कि जो मेरे भक्ति के अंदर बहुत बड़ा विघ्न करती है लेकिन अपनी कंडीशनिंग अपने को अलाउ नहीं करती है छोड़ने के लिए. सबको पता है फिलासफी, सबको अक्कल है कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कंडीशनिंग इतनी ज़ोरदार पकड़ करके रखी है कि प्रभु हम उसको छोड़ते नहीं है. एक सिंसियर डिवोटी होगा तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद दिस वे, कृष्णा ये तो एटलीस्ट बोलेगा हमेशा के लिए तो अभी बहुत डर लगता है, एटलीस्ट इतने समय तो मैं छोड़ूंगा. वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, वी हैव टू स्टार्ट प्रभु, वी हैव टू स्टार्ट, वरना हम बातें करते ही रह जाएंगे. और प्रभु एक चीज याद रखना, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ वेरी हैवी स्टेटमेंट, प्लीज, हम पूरे दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे. इट इज़ अ हार्ट टू हार्ट डीलिंग प्रभु. वी कैन चीट एवरीबडी बट वी कांट चीट कृष्णा. कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे हम. सिर झुकाना है तो पूरा झुकाना पड़ेगा भाई, आधा आधा रह करके क्या निकलेगा, फिर तो देना पड़ेगा सब चीजें. तो एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद दिस वे, कृष्णा मुझे मालूम है ये टीवी का ये प्रोग्राम जो है कृष्णा भक्ति के लिए अगेंस्ट है, लेकिन मैं इतना अटैच हूँ, मैं टीवी का ये प्रोग्राम छोड़ नहीं सकता हूँ, आज से छोड़ दूंगा यार. ये खाने की ये चीज़ है जो मेरे को मालूम है कृष्णा भक्ति के लिए अगेंस्ट है, छोड़ दूंगा मैं. ये सब चीज़ तो बहुत बेसिक है हाँ प्रभु जी, ऐसा मत समझना कि वी आर कमिंग ऑन द भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेवल, बट एटलीस्ट ऑन अवर लेवल वी शुड स्टार्ट विथ समथिंग, शुड स्टार्ट विथ समथिंग. दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस भाई, प्रैक्टिकली दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. योर एक्शन शुड स्पीक मोर देन योर वर्ड्स. इट इज नॉट अ गुडी गुडी बिजनेस प्रभु. इसलिए वो नरसिंह मेहता जो है ना, हमारा गुजराती में नरसिंह मेहता बहुत सुंदर साधु बने, बहुत सुंदर संत है. वो हमेशा ये कहते थे हरि नो मारक छे सूरा नो नहीं कायर नो काम रे. ये कायर का काम नहीं है भाई,
भैया हकीकत में रगड़ा देता है प्रभु, अपने को पूरा रगड़ा देगा। कोई बोलता है ना, अरे भक्ति तो क्या है, वो तो सेंटिमेंटल है। आई कैन चैलेंज देम प्रभु, इट इज नॉट ए सेंटिमेंटल, इट्स हार्ड कोर कमिटेड सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस प्रिंसिपल्स, इट्स रियली सिंसियर। खाली सिंसियर लोग इधर टिक सकते हैं भाई, जो वो गुड़ी गुड़ी बोलते हैं ना, वो गुड़ी गुड़ी वाले लोग रहते हैं। कौन कह सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसे सेंटिमेंटल। 192 राउंड्स करने के बाद में वो व्यक्ति जो 192 राउंड्स 10 साल करते हैं, वो भी जो है वाज रेडी टू सुसाइड बिकॉज ही वाज नॉट गेटिंग मर्सी ऑफ हिज गुरु महाराज। दिस इज द स्टैंडर्ड अवर गॉडिया इज गिविंग अस। रघुनाथ दास गोस्वामी, जब रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु चले गए और उनके गुरु महाराज स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी चले गए, तो वृंदावन में आए। और वृंदावन में आए कुछ ऐसा नहीं था कि वो वहाँ पे प्रवचन करने वाले थे, राधा कुंड में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णनाथ कबीरा गोस्वामी को प्रवचन देने वाले थे, उसके लिए नहीं आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में सिर्फ एक वजह से के लिए आए थे, गोवर्धन का दर्शन करूँगा और गोवर्धन से ऊपर से गिर जाऊँगा और आई विल गिव माई लाइफ बिकॉज नाउ देर इज नो यूज ऑफ स्टेइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज महाप्रभु इज नॉट देयर एंड माई गुरु महाराज स्वरूप दामोदर गोस्वामी इज ऑल्सो नॉट देयर। अभी यू नो द पास बैकग्राउंड ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, मल्टी मल्टी बिलियनर भाई, वो व्यक्ति भी जो है महाप्रभु की बरसी नहीं है। अभी महाप्रभु अभी नहीं है यहाँ पे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी नहीं है, मैं छोड़ देना चाहता हूँ। दिस इज द स्टैंड। फिर तो बाद में जो है रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे बाप रे, अगर आपको हमको प्रसन्न करना है तो आप इधर रहो। फिर सब बताया उनको, एंड देन ही वॉज स्टेइंग ओवर देयर ओनली फॉर वन पर्पस, कि इन लोगों को महाप्रभु की पास्ट टाइम पता नहीं है और इन लोगों को महाप्रभु का पास्ट टाइम दे बताना चाहिए, मेरी जवाबदारी, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो वहाँ पे गोवर्धन में राधा कुंड में रहे और रोज जो है 2 घंटा सुबह में 2 घंटा शाम को प्रवचन देते थे पूरे महाप्रभु के पास टाइम जो उन्होंने देखे थे 18 साल तक। और फिर जो है कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी भी सुन रहे थे और वो चैतन्य चरितमृत हमको रघुनाथ दास गोस्वामी से मिली है इनडायरेक्टली। लेकिन वो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए थे सुसाइड करने के लिए। ये स्टैंडर्ड है हमारी परंपरा का भाई, दिस इज वॉट इज अवर परंपरा। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायर नो काम रे भाई, यहाँ पे कीमत देनी पड़ती है। अगर हम नहीं कीमत दे रहे, आप बोलेंगे प्रभु बस इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कंटिन्यू करना पड़ेगा आगे। उससे आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन एक सिंसियर डिवोटी होगा ना, लगे ऐसे भी दुखी हूँ, ऐसे भी रगड़ा रहा हूँ, पूरा रगड़ा लेना अभी ख़त्म करना भाई। क्यों इधर रगड़ाता हूँ, इतना आधा आधा रह करके क्यों रखूँ मैं। रगड़ा लेना क्योंकि मालूम है कि जो है इसमें आनंद नहीं है यहाँ पे। डू यू थिंक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज रेडी टू डू सुसाइड बिकॉज वाई यू कुड अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ मजा नहीं है, जो ऊंची चीज नहीं मिल रही है तो इधर मजा नहीं है। और एक चीज होता है प्रभु, दिस पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट, ये भौतिकवादी लोग जो है ना उसको ये समझ नहीं पाते क्योंकि उसका स्टैंडर्ड ही नहीं है, उसको समझने की शक्ति ही नहीं है। जो व्यक्ति इतना सेक्रीफाइस देता है ना, इतना सेक्रीफाइस देता है ना अपने लाइफ के अंदर कृष्णा को डेस्परेशन दिखाने के लिए, कृष्णा उसको इतनी ऊंची चीज दे देते, इतनी ऊंची चीज दे सकते देते हैं कि उसको क्या लगता है पता है, उसको ऐसा लगता है कि कृष्णा ने जो कुछ मुझे दिया है ना उसके सामने मैंने कुछ भी नहीं दिया है कृष्णा को। दिस इज वॉट हैपन्स टू ए डिवोटी, इतना ऊंचा चीज दे दिया है। कैन यू इमेजिन, गोपिया जो है उन्होंने क्या स्टैंडर्ड बताया, बराबर है। चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि अगर सन्यासी परम परम सन्यासी को भी अगर कोई इंस्पिरेशन चाहे तो उन्होंने को गोपी से लेने का है, करेक्ट। लेकिन गोपिया को क्या लगा है मालूम है, कृष्णा ने हमको क्या क्या दे दिया है, थोड़ा अंदाजे लगाओ। एक रात जो है ब्रह्मा की एक रात कृष्णा ने उसके साथ में रहा है, एक रात यानी प्रभु जी थोड़ा अंदाज लगाओ कितना दिन कितने साल होते हैं मालूम है, अनकंपेरेबल, इट्स अनकंपेरेबल।
जो सैक्रिफाइस इन्होंने बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आप थोड़ा अंदाज, थोड़ा सी आई डोंट नो, मैंने इतना उनका डीप स्टडी नहीं किया है, लेकिन उनका इतना हाई स्टैंडर्ड देख, इन्होंने सिंसरिटी गौर किशोरदास बाबा जी के सामने दिखाया, बाद में उनको टेस्ट हरी नाम का कितना मिल गया। ये जो उन्होंने 192 जो राउंड हर रोज किया ना, वो तो उनको प्रचार कार्य करने के लिए किया था, लेकिन उनके पहले उनकी दीक्षा गौर किशोरदास बाबा जी के पास ऑलरेडी हो गई थी, लेकिन वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास जब उनकी दीक्षा हुई और उनको इतना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ गई थी, उनको टेस्ट हरिनाम का कितना ऊंचा हो गया था प्रभु, कि जो व्यक्ति 10 साल तक रोज 192 राउंड्स रोज करता था, क्या टेस्ट मिल गया प्रभु, क्या आनंद आ गया उसके लाइफ में। हरिदास ठाकुर की वो डिसाइपल प्रोस्टिट्यूट, आई डोंट नो हर नेम प्रभु, हाँ लक्ष्य हीरा, यस, तो वो जो है प्रभु, उसको भी उसने सब चीज छोड़ दिया ना, क्या प्रभु जी उसकी कंडीशनिंग और क्या स्टैंडर्ड है ना, वो तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जैसा हो गया, करेक्ट, लेकिन उसको टेस्ट क्या मिल गया प्रभु जी, क्या उसने सेक्रीफाइस दिया, उसको क्या टेस्ट मिला, 192 राउंड रोज करने लगी, थोड़ा अंदाज लगा अपने को 16 माला में से अपने को एक दिन, साल में एक दिन 192 करता तो 6 महीने से पहले से तैयारी चलती है अपनी, 6 महीने से तैयारी चलती है, वो माता जी प्रोस्टिट्यूट से सीधी 192 राउंड्स, प्रोस्टिट्यूट से सीधी 192 राउंड, क्यों, क्योंकि शी पेड द प्राइस प्रभु, शी पेड द प्राइस, शी पेड द प्राइस। और हम लोग देखते रहते, क्या हुआ यार, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या यार, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जैसा तुमने सरेंडर किया ऐसा रेसिप्रोकेशन मिला है भाई, नो पेन नो गेन प्रभु, नो पेन नो गेन। बहुत ऊंची चीज चाहिए तो उसी कीमत देनी पड़ेगी। सो लेट अस कम टू द पॉइंट, चलो भाई हम नहीं कर पाएंगे अभी, कोई बात नहीं, हम कुछ तो करना पड़ेगा भाई, खाली बातें करने से नहीं होगा भाई। वो सेकंड स्टैंडर्ड वाला बोलेगा चलो एक साल हो गया अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाने का है, तो वो अगर फेल ही होता रहेगा तो सेकंड स्टैंडर्ड भी रहेगा, बराबर है, बराबर है। अभी थर्ड स्टैंडर्ड में जाएगा तो थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा होता है, परीक्षा भी थोड़ी बड़ी होगी, स्टैंडर्ड भी बड़ा होगा, थोड़ा समय ज़्यादा भी स्कूल में देना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है ना, प्ले स्कूल में से स्कूल में जाता है, ऐसा कुछ होता है, अपना भी एग्जैक्टली ऐसा है। ये सब PhD लेवल वाले लोग हैं, लेकिन अपने सेकंड स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ आना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा परीक्षा बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा ऑस्टेरिटी, थोड़ा हरिनाम प्रभु जी बढ़ाना पड़ेगा, वी हैव टू डू इट प्रभु, डू इट। मेरे को ये व्यक्ति अभी गुड़ा किस्म, मेरे को कैलकुलेशन करता हूँ प्रभु जी, क्या आदमी है अभी जो है, मेरे को बोला भागवतम मेरे को दिखाओ, मेरे को क्लास देने का है, वर्स मेरे को मालूम ही नहीं है, मैंने उनको वर्स दिखाया, बस फट 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 कैलकुलेशन करने लगे, ये वो क्लास दे दूंगा मैं। अरे इतना स्टडी भी करते हैं, इतना जपा भी करते हैं, इतना काउंसलिंग भी करते हैं, इतना लोगों को भी मिलते हैं, और ये सब 24 घंटे भी होता है, खरा कि सब 24 घंटे ही है, कुछ उसके लिए कुछ 1 घंटा 2 घंटा कृष्णा ने ज्यादा नहीं दे दिया, सब 24 घंटे भी होता है। इट इज ओनली बिकॉज दे हैव गॉट अ टेस्ट प्रभु, वी आर सो फॉर्चुनेट प्रभु, प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो हमको मिल रहा है ना प्रभु, डोंट मिस इट, हाँ थोड़ा भी तुमने मिस किया ना तो पारसमणि, किसी के पास जो पारसमणि मालूम है ना, जिसको थोड़ा भी लगाते उसको सोना बना देते हैं, पर वो 1000 times बिगर देन पारसमणि, वी हैव गॉट इट ओवर हियर, अंडरस्टैंड दैट, पारसमणि से भी बहुत ऊंचा चीज मिल गया है, पारसमणि तो तुमको इधर ही रखने वाला है, पूरा सोने का जो है खान बना देगा ना सोने का, तो भी इधर ही रहेगा ना सब, मरते वक्त इधर ही सब छोड़ के ही जाने का, क्या बड़ा चीज मिला है, 1000 times बिगर देन दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये मुझे मिल गया है पारस मणि से भी ऊंचा। और अगर हम उसको नेग्लिजेंटली लिया ना प्रभु, प्रभु जी व्हाट कैन आई से प्रभु, वी आर द मोस्ट फुलेस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स, सबसे मूर्ख में से मूर्ख व्यक्ति ये दुनिया में कोई रहेगा ना, कृष्णा की दृष्टि से, भौतिकवादी लोगों को छोड़ो, कृष्णा की दृष्टि से अगर कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कोई भी होगा ना, अपना नंबर पहला आएगा, बोलेगा इतना ऊंचा चीज दिया और तू भी भागा, तेरे जैसा क्या भी, तेरे को क्या भी मैं दूँ,
मेरे लिए तू क्या अभी यार, तेरे को इतना देने के बाद में भी तेरे को नहीं, हमारे घर पे हमारे ऑफिस के अंदर कोई काम करने आता है ना, कोई अच्छा सिंसियरिटी बताता है तो हम उसको बहुत इंक्रीमेंट ये वो सब चीज़ देते, लेकिन वो इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट देने के बाद में भी वो आदमी बोलता है कि नहीं मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, भाग गया जॉब छोड़ करके, तो हम उसको क्या बोलेगा, जा मानस धक्का बोसी साहब जा बात यार, उसको कदर नहीं है मैं क्या देता हूँ उसके लिए, और उसको हम हमारे मन में से पूरा उसको निकाल ही देते हैं, पर वो आई ऑल्सो फील इट दिस वे, अगर हमको ये चीज़ मिलने के बाद में भी हमने बेदर कार्य किया ना, तो कृष्णा की दृष्टि से जो है ना, जो हमको सॉफ्ट कॉर्नर कृष्णा का जो मिला है ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर हम ना कृष्णा की दृष्टि से हमको निकाल देगा वो, दैट वी शुड नेवर डू इट प्रभु, क्योंकि फाइनली तो कॉजलेस मर्सी से ही अपने को धक्का लगने वाला है, दैट वी शुड नेवर डू दैट, वी हैव टू प्रूव टू कृष्णा दैट कृष्णा भले, हाँ एक चीज हो सकता है प्रभु जी, हमारे वो लेवल नहीं है, हमारा वो स्टैंडर्ड नहीं है, हमको सब मालूम होने के बाद में भी अपनी कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ तो हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, और वो क्या है, हम सुबह में जपा करेंगे, भक्तों के संग में आएंगे, हम कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मैं इतना फॉलन हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ, ये स्टैंडर्ड मेरा, मेरे जो संप्रदाय में हूँ वो स्टैंडर्ड मेरे आचार्यों ने बहुत ऊँचा बताया, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड नहीं है ये इतना, कृपा करके मेरे को उतनी स्ट्रेंथ देना, मैं मेरी जितनी लेवल है उतना चालू करके मैं दिखा देता हूँ कि मेरे इतना मैं कर सकता हूँ, इससे आगे मेरे में शक्ति नहीं है, हाँ मेरे को शक्ति दो, और मेरी शक्ति, मैं आपकी शक्ति लेने के लिए एक्सपेक्ट करने के लिए इतना इच्छा क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं मेरा लेवल पूरा बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट दैट तो हमको बताना पड़ेगा, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग, वो तो हमको उतना करना पड़ेगा भाई, वरना हम इधर ही लटके रह गए प्रभु, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक व्यक्ति के यहाँ पे एक कन्विक्शन होना चाहिए, अभी इतना कीक खाने के बाद में भी अगर ऐसा लगता है कि इधर रहने जैसा है, हम मूर्ख है प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, कोई भी हालत में भी किसी माँ के पेट में नहीं जाना है, बहुत हो गया अभी, ख़त्म कर लेना है, सो प्लीज कम, ये प्रभु आपके लिए क्लास नहीं है, ये क्लास मेरे लिए है, क्योंकि मैं सबसे बूढ़ा यहाँ पे मैं हूँ, मेरा नंबर पहले आने वाला है, चांस लेना नहीं है, अभी निकल जाना है प्रभु, अभी स्टैंडर्ड भी नहीं है इतना ऊंचा है, इट इज़ लाइक दिस वे, एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला कि डू यू नो एंट, हाँ मैंने बोला चीटी मालूम है चीटी, हाँ मैंने बोला एंट को तुम बताएगा कि हाथी कैसा है, एंट को समझ में आएगा, एक चीटी को बोलेगा हाथी कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, तो चींटी को समझ में आएगा, हमको अगर बोला जाएगा ठीक है तुम एंट हो, एक चींटी हो, और कृष्णा कॉन्शियसनेस एक हाथी है, तेरे को समझ में आएगा ही नहीं, तेरे को समझ में नहीं आएगा, जस्ट फॉलो करते रहे, कृष्णा से याचना कर और खींचते रहे, कभी कुछ कृष्णा की कृपा आ जाएगी तो हो जाएगा कुछ, This is what we are. Okay, Prabhu, we'll end it over here. Anybody has any questions on this? Sorry, yeah, Prabhu. ये मेरे लिए है. आप मेरे लिए प्रार्थना करना भाई. मारो नंबर पहलो छे. एक चीज तो हमको सबको पता हो जाना चाहिए. वापस नहीं आना इधर. बहुत हो गया यार. अभी कृष्णा की इच्छा है हमको भेज दे इधर तो बात अभी क्या कर सकते हैं. मेरे को हमेशा ये डर बहुत लगता है. This is what I'm revealing my heart. बहुत ऊंचा आशा लेके जावे और कृष्णा बोलेगा नहीं यार वापिस आ रहा है इधर, तो वो जो हृदय टूट जाएगा ना वो फिर वापिस लेवल में आने में तकलीफ होगी. वो एक तकलीफ आने वाली है, लेकिन क्या करें अभी लायकात नहीं है, क्या करेंगे. इट इज़ लाइक दिस वे, कोई बॉस होता है ना जॉब में, कोई अपने को नौकरी में पगार बढ़ाना है और नहीं पगार बढ़ाएंगे तो सब चीज़ अपना कोई घर का खर्चा जमने वाला नहीं है, सब चीज़ होगा और दूसरी कोई नौकरी भी नहीं है अपने पास, यही नौकरी है इसमें से ही सब होने वाला है, तो हम कैसे भी बहुत उत्साह के साथ में बोलते हैं कि बहुत काम किया है और बॉस के पास जाएंगे और बॉस को बोलेंगे कि बॉस थोड़ा पगार बढ़ा दो ना, अभी बहुत खर्चा ज़्यादा हो गया है, कोई चांसेस नहीं है, और बॉस बोलता है और रूल के मुताबिक हमको नहीं मिलना चाहिए ऐसा है, तो बॉस बोलेगा कि नहीं पगार नहीं बढ़ाऊंगा, यही पगार और ये कम से कम 10 साल ऐसे ही चलने वाला है, तो कैन यू इमेजिन अपना हृदय कैसा टूट जाएगा, और दूसरी नौकरी भी नहीं है इधर ही पड़ा रहने का है, तो उसमें मेंटल स्टेबिलिटी रहने में बहुत टाइम जाने वाला है. अपना भी मुझे हमेशा एक डर लगता है कि
फाइनली तो कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप, कुछ अपना तो कोई लायकत है नहीं, और कॉजलेस मर्सी नहीं मिला. और कृष्णा बोला नहीं, आई डोंट थिंक सो, यू आर अ फिट कैंडिडेट, आई थिंक यू हैव टू स्टिल गेट मोर किक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, यू गो आउट. क्या कर सकेंगे भाई, क्या कर सकेंगे प्रभु. ये दुनिया में हम लोग ने ये जन्म में जो संघर्ष देखा है ना, उसका विचार करते तो भी हिल जाता है. मैं तो मुझे तो मैंने 55 साल हो गया प्रभु, मैंने देख लिया 55 साल में जो संघर्ष किया है ना, वो हमको बोलेगा सब रिपीट होगा. वो टेंशन से ही मर जाता हूँ, बिल्कुल ना यार, क्या यार, क्या होने गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मैं दुखी है, क्या कुछ थोड़ी सुख हुआ है, वापिस पढ़ने का है. ये डिवोटी अभी रात ड्यूटी, रात की ड्यूटी करके सीधा सीधा आया इधर, रात में से सीधा. वेरी नाइस प्रभु, आई गेट सो मच इंस्पायर्ड. गोड़ाकेश प्रभु सीधा आ गए जपा करने के लिए, ये सीधा नाइट से सीधा ही, वो सीधा जॉब में से, रेलवे में से सीधा इधर आया जॉब. दिस इज व्हाट इज कृष्ण. बट हमको बोलेगा ऐसा ही जिंदगी जीने का है, हिल जाता है यार, क्या है यार, क्या है, ऐसा ही जीने का है क्या. बट वॉट होप डू आई हैव. एक भिखारी बोलता है पैसा दो साहब, पैसा दो, पैसा दो. और भिखारी को अगर साहब बोलेगा कुछ पैसा नहीं मिलेगा, तो भिखारी क्या बोल सकता है, क्या बोल सकता है, ठीक है चलो साहब, हरी बोल, चलो निकलो आगे. प्रभु जी इतनी हेल्पलेस और होपलेस कंडीशन में हम सब हैं यहाँ पे, और फिर भी ऐसा लगता है अरे मजा चाहिए, मूर्ख चाहिए हम लोग को, मूर्ख चाहिए, सॉरी टू से प्रभु, मूर्ख चाहिए, साव केवी लाचारी साथी जीविए चाहिए यहाँ, नो डाउट. एक चीज मैंने एक बार महाराज को पूछ लिया था, महाराज अगर ऐसा कृष्णा करेगा तो क्या होगा, अभी फंस तो गए लेकिन अभी क्या होगा, तो फिर अपने लिए होप ही नहीं है ना फिर. महाराज गिव मी वेरी सॉलेस वाला थिंग, दैट गिव्स मी लॉट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ सॉलेस. उन्होंने मुझे बताया कि एक लड़का जो होता है बहुत नफ़ट नालायक होता है, सब घोटाला किया रहता है, लेकिन फिर वो घोटाला करने के बाद में वो थोड़ा सुधर जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि घोटाला किया है, गड़बड़ कर लिया है, सब लोचा मारा है, और सुधर जाता है. और सुधर जाने के बाद में बाप के पास आता है, और वो बाप को बोलता है कि मेरे से भूल हो गया है, मेरे को माफ़ कर दो. अभी जो कुछ भी उसने भूल किया वो पूरी कॉम्पेंसेट नहीं हुआ है कुछ, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे से भूल हो गया. और वो पूरी, और खाली बोलता नहीं, अपने लाइफस्टाइल से बताता है कि मैं सुधर रहा हूँ. तो बाप ऐसा विचार करेगा कि नहीं तूने ऐसा ही किया इसलिए तेरे को तो ये पनिशमेंट होना ही चाहिए, ऐसा बाप विचार करेगा. हाँ तो महाराज मेरे को ये बताया, मूर्ख एक कर्मी बाप भी जो है इतना दया करता है तो तेरा अपना परम बाप दया नहीं करेगा तेरे को. तू तेरे को अपना अपना सबका बाप जो है वो अपने को इतना दया नहीं करेगा. खाली उतना करना, थोड़ा सिंसेरिटी बताना और चीटिंग मत करना, अंदर और बाहर एक रखना, और पूरी कोशिश लगाते रहना, शराब जी डाइवर्जन मत करना, बोलना कुछ और करना कुछ ऐसा कुछ मत करना, थरो सिंसेरिटी बताना, लेकिन उतना समझ लेना तू यहाँ पे फंसा हुआ है, फंसा हुआ है और निकलना है. यस विपुल टेल मी व्हाट इज योर क्वेश्चन. कॉस्ट बेनिफिट इज एमबीए ना, और माइंड में वही चला जाता है पहला. हाँ यस 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 परफेक्ट. एब्सोल्युटली. बेनिफिट आपको क्या है अभी दिखाई देना चाहिए, करेक्ट आपका ये प्रश्न है, दिस इज योर क्वेश्चन. बहुत सिंपल है वैल्यू प्रभु, बहुत सिंपल वैल्यू है. हमको तो सबको, बाहर के लोगों को समझ में आएगा नहीं, हमको तो समझ में आ जाना चाहिए.
प्रभु एक माला, सिर्फ एक माला, 16 माला भी नहीं बोलता हूँ, सिर्फ एक माला। अरे एक माला भी छोड़ो यार, आधी माला, सिर्फ आधी माला करो प्रभु, कृष्णा को पूरा फोकस करके, विथ थरो ह्यूमिलिटी, विथ थरो डिवोशन, विथ थरो सर्विस एटीट्यूड, आधी माला सिर्फ करो प्रभु। और वो आधी माला करके देखो आपकी कॉन्शियसनेस में क्या फर्क आता है। प्रभु आपकी पूरी दुनिया आपको सुनिया एकदम जगत सर्वम लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं है यार, कृष्णा मेरे पास है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। एवरीबडी एग्रीज, हम लोग का नहीं हुआ होगा बात अलग है, लेकिन कभी कभी तो हुआ होगा ना, डू यू एग्री और नॉट? ए भाई, एक आधी माला भी प्रभु जी क्या आनंद देता है। थोड़ा अंदाज लगाओ, मेरे को इटर्नली वो आनंद मिलने वाला है यार, थोड़ा तो अंदाज लगाओ, इटर्नली, इटर्नली। अरे बाप रे, आधी माला का 3 मिनट 4 मिनट में इतना आनंद है, शाश्वत रूप से उनको आनंद मिलने के लिए तैयार नहीं कृष्णा देने के लिए। फिर भी मूर्ख आदमी, मेरा आग कैलकुलेशन, रुपया नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं छोड़ूंगा, तो कृष्णा बोलेगा यार तू मूर्ख यार, क्या देने वाला, और तू लेने के लिए तैयार ही नहीं, तो तुम्हें अभी रगड़ इधर थोड़े समय। डू यू एग्री और नॉट? एवरीबडी एग्रीज, दिस इज व्हाट जस्ट प्रभु जी फॉर अस इट इज सो। हाँ, कर्मी लोगों को अभी तक हम नहीं बोल सकते इतना मिलने वाला है, हमारे लोगों को तो बहुत क्लियर है प्रभु। अरे उसको छोड़ो, चलो वो भी बहुत ऊंचा है, अच्छे सिंसियर भक्तों का संग कर लो। अच्छे भक्त मिल गया ना आपके साथ में, हम कितने भी निचले कक्षा के हो गए, कोई अच्छे भक्त मिल गया और वो लोग के साथ में आदान प्रदान करो प्रभु। जो आनंद मिलता है उनसे, बाप रे ये आनंद तो मेरे को कभी भी नहीं मिला है, गुरु वृंदावन में सब ऐसे ही है। और शाश्वत ऋषभ कैसा मिलने वाला है? क्या कॉस्ट बेनिफिट, अभी इससे बड़ा बेनिफिट क्या है? हमारे लिए तो बहुत क्लियर है। एवरीबडी एग्रीज, एवरीबडी एग्रीज, दिस इज व्हाट इट इज। प्रॉब्लम इज विथ अस प्रभु, आई एम नॉट सेइंग टू यू, आई एम सेइंग टू माय सेल्फ प्रभु, प्रॉब्लम हमारा है, क्या मिला है प्रभु जी। खाली अपना प्रॉब्लम एक ही है, 0.0001% ऐसे लोग हैं और 99.9999% अलग है, इसलिए अपना अपना जो है ना प्रभु जी, क्वांटिटी बहुत छोटी है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप वो भक्तों के गुण में रहो, कल की बात करता हूँ, कल रथ यात्रा में देख रहा था प्रभु, तकरीबन 30-35 हज़ार लोग थे ऐसे मेरे को बताया, 30 से 35 हज़ार में खाली उसको देखेंगे तो प्रभु जी इतना उत्साह था कि बाप रे मैं अकेला नहीं, 35 हज़ार भक्त है मेरे साथ में, मैं ढीला नहीं हो सकता हूँ, अगर ढीला होगा तो थोड़े भक्त मेरे को पहचानते, वो लोग लेके आ जाएंगे। कल ही कमल लोचन प्रभु के साथ में मैं बैठा था बातें करने के लिए, तो मैंने बोला कि यार देखो प्रभु, आप और मैं दोनों वी आर क्लोज फ्रेंड्स, तो मैंने बोला कि देखो प्रभु, भक्ति के अंदर तकलीफ बहुत आती है, लेकिन तुम मेरे लिए वचन लो, मैं तुम्हारे लिए वचन लेता हूँ कि जब भी मेरे को तकलीफ आएगी तब तुम मेरे सामने आना चाहिए। तो मैं भी वचन लेता हूँ कि तुम मेरे को तकलीफ आएगी तुम आना मेरे पास। प्रभु जी कैन यू इमेजिन द व्हाट अ सोलेस यू गेट इट, व्हेन अ डिवोटी इज सो सिंसियर एंड गोइंग टू डू दिस टाइप ऑफ डीलिंग विद अस, दिस इज लव। और वो जो लविंग रेसिप्रोकेशन होता है प्रभु, क्या आनंद आता है, व्हाट अ सेटिस्फैक्शन यू गेट इट, व्हाट अ सेटिस्फैक्शन गेट इट। हमको सी, महाप्रभु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ऑफकोर्स ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, सो ही, देयर इज नो वे दैट वी कैन से ही इज इंटेलिजेंट, बट महाप्रभु हैज वेरी वेरी प्रॉपर, सो टू से फोकस। महाप्रभु ने संकीर्तन मूवमेंट चालू किया, करेक्ट? डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संकीर्तन? संकीर्तन मूवमेंट मीन्स कमिंग टुगेदर, करेक्ट? शुरुआत में देखना प्रभु जी, आप शुरुआत में देखना प्रभु जी, दिस इज व्हाट माय फीलिंग इज। शुरुआत में हम जब साथ में आते, अच्छे अच्छे भक्तों के साथ में आते हैं ना, हमको कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी की समझदारी बाद में आती है, लेकिन पहला चीज हमको क्या होता है मालूम है, भक्तों के साथ में जो अटैचमेंट और आदान प्रदान होते हैं ना, उसमें सबसे आनंद आने लगता है, और वो आनंद का जो है ना फिर कंटिन्यूएशन में फिर फिलॉसफी समझ में आती है। खाली भक्तों के संग में अच्छे, प्रभुपाद जी का क्या हुआ मालूम है, प्रभुपाद जब वेस्ट में गए ना, वो अंग्रेजी लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था प्रभुपाद क्या बोलते थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी जो है वो इंडियन लैंग्वेज थी और वो लोग की फॉरेन लैंग्वेज थी इंग्लिश में भी,
बट दे आर ओनली अंडरस्टैंडिंग बनते, ये आदमी बड़ा मजा वाला आला है, एकदम निस्वार्थ यार, इतना सुंदर उसके साथ में आदान प्रदान होता है, क्या आनंद आता है उसके साथ में। दे आर अटैच टू प्रभुपाद, फिर बाद में फिलोसॉफी समझ में आई, दिस इज वॉट इट हैपेंस। कॉस्ट बेनिफिट, क्या बेनिफिट, तो हमको हमारे जैसे लोगों को तो बेनिफिट पहला दिखता है यार, एवरीबडी एग्रीज और नॉट, इज इट ओके। यस करेक्ट, करेक्ट, विथ ए वेरी स्ट्रांग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। प्रभु सुंदर भक्तों का संग करोगे तो आपको चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी प्रभु। हाँ धीरे धीरे कम होगी, लेकिन एक टाइम लगेगा क्योंकि कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है। लेकिन मेरे को ये बताओ, इतना सुंदर भक्तों के संघ के अंदर आपकी चीटिंग प्रोपेंसिटी को आप प्रोत्साहन मिल रहा है, आपकी मोड ऑफ गुडनेस बढ़ जाती है प्रभु, मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस कम ही होगा। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, एसोसिएशन मेक्स लॉट्स ऑफ डिफरेंस प्रभु। ये सब चीटिंग प्रोपेंसिटी जब तक होगी, जब तक जो है आपको ऐसा माहौल नहीं मिलता है, ऐसे एक बार माहौल मिल जाने के बाद में प्रभु यू डेफिनेटली गेट चेंज्ड, डेफिनेटली गेट चेंज। कैसा भी होगा, अरे एक ऐसा भी आदमी होगा जिसने पूरे सबको खून किया है, मर्डरर है, वो भी इधर आने के बाद में वो भी जो है सुधर जाएगा। जगह मदय का क्या हुआ है, ऑफकोर्स पहले उसने नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली, एसोसिएशन मिला, बाद में तो क्या उनकी है, क्या स्टैंडर्ड है। वो गंगा के ऊपर घाट बनाने लगा और घाट बना करके जगह मदय क्या बोलते हैं, जो लोग आते थे उसको बोलते थे इधर तो स्नान करके, तुम जगह मदय है यार, तो कहा मैं ही हूँ, तुमने कितना काप किया है, वो लोग पत्थर देते थे उसको, लो पत्थर मेरे को मारो क्योंकि मैंने इतना किया है। और वो पत्थर मारते थे, कोई पत्थर मारते तो वो वापस पत्थर लेकर के वापस उसके पास जा करके बोलता था और मारो मुझे। क्या परिवर्तन है प्रभु जी, कैन यू इमेजिन क्या परिवर्तन हो गया है। This is Krishna consciousness, Prabhu. I always feel it one thing, Prabhu. I always, of course, our Shastra also accepts it. More than anything else, we need association. Association अच्छा है, सब चीज़ है बराबर। अगर association नहीं और तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा insecurity लगेगी, कभी भी कुछ गड़बड़ न हो जाएगा, क्योंकि बाहर की हवा बड़ी भयानक है प्रभु, कभी क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। ओके एनीथिंग एल्स प्रभु जी, प्रभु जी हम साथ में रहेंगे, हो सकता है थोड़ा संघर्ष होगा, डिफरेंस ओपिनियन होगा, लेकिन जो मिल रहा है ना वो इतना ऊंचा है, बहुत ऊंचा है प्रभु जी, बहुत ऊंचा है। आई डोंट नो वेदर, बट आई टेल यू व्हाट वन आई फील इट। आपको बोला जाएगा करोड़ों जन्मों रहने का है इधर, और यहाँ पे आने के बाद में 25-30 साल के अंदर संघर्ष करके बाहर निकल जाने का है, क्या आपको चाहिए। दिस इज व्हाट इज दिस प्लेस ओवर हियर, दिस इज व्हाट दिस प्लेस इज। ओके एनीथिंग एल्स प्रभु जी, प्लीज कम। और व्हाट आई वांटेड टू से इज अगले 28 तारीख को अपना 64 है भाई, यानी ये सैटरडे नहीं उसके बाद का सैटरडे, सैटरडे को फोर्थ सैटरडे। बेस्ट थिंग दे आज के दिन मेरे को ये लगा है प्रभु जी, 192 राउंड्स के अंदर ऑलरेडी 78 और गुड़ाकेश प्रभु खास, हाँ गुड़ाकेश प्रभु खास वृंदावन से आने वाले हैं हमारे साथ 192 राउंड्स करने के लिए, एक्सक्लूसिवली इज कमिंग। उन्होंने अभी कल ही शेल्डर प्रभु को बोला मेरी टिकट बुक कर लो, मुझे इधर आना है। जो व्यक्ति 128 वाला रोज करता है उसको हमारे साथ 192 राउंड्स करने के लिए इधर आना है। प्रभु जी व्हाट वी आर फॉर्चुनेट, प्रभु जी वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर सो फॉर्चुनेट। फिर भी हमारी मूर्खता क्या है प्रभु, टाइम नहीं क्या टाइम नहीं यार
મરવા માટેનો ટાઈમ છે પણ જીવવા માટેનો ટાઈમ નથી, એવું છે આપણું. મરવા માટે ટાઈમ છે, બધું આ બધું મરક માર મરવાના ધંધા છે, અહીંયા જાઓ ત્યાં જાઓ, જીવવા માટે શાશ્વત જીવન જીવવા માટેનો ટાઈમ નથી આપણને. એનીવે ઇટ્સ ગેટિંગ લેટ, એનીથિંગ એલ્સ? થેન્ક યુ વેરી મચ, પ્રભુ પ્લીઝ પ્રે, મેરા નંબર પહેલા હૈ, મેરે કો ચાન્સ નહીં લેને કા હૈ, લેકિન આપ લોગ કૃપા કરોગે તો મેરે કો ધક્કા લગેગા, વરના મેરે કો ભી યે નંબર આયેગા કિસી માં કે પેટ મેં વાપસ. સબ ચીજ પ્રભુ, પઢાઈ કરો, એડજસ્ટમેન્ટ કરો. હાલ ટેલ યુ, એક ફ્રેન્ક બોલતા હતા, એક મિનિટ મેં ફ્રેન્ક બતા દેતા હું, સોરી થોડા બોલ્ડ હો લેકિન બોલ દેતા હું ક્લિયર, શરમ કે બિના બોલ દેતા, બોલી દઉં, બોલું ખોટા નહીં લગેગા ના, બોલ દો. હમ લોગને શાદી ક્યું કિયા? માતા જીસ કે લીએ તો થોડા બહોત દૂસરા રીઝન ભી હો સકતા હૈ, ઉનકી સિક્યુરિટી કે લીએ ને યે હૈ ને, ઉનકો ઉનકો પ્રોટેક્શન ચાહિયે, હમ લોગને ક્યું શાદી કિયા? દૂસરા સબ રીઝન સેકન્ડરી હૈ, મેજર રીઝન ઇઝ વી કુડ નોટ કંટ્રોલ અવર સેન્સિસ, એક્સેપ્ટ ધ રિયાલિટી. ડ્રામાબાજી મત કરો પ્રભુ, મહાપ્રભુ કે સામને હિપોક્રસી મત રખના, ઓર ઉસકે લીએ પૂરે જિંદગી કે લીએ તૈયારી કરના પડ રહા હૈ હમકો, હમકો બોલા જાય વાપિસ રિપીટ કરના હૈ. ક્યા હાલત હોગી અપની યાર, ક્યા હાલત હોગી, નથિંગ રોંગ, ક્યા કરે, વી હેવ ટુ પે અવર પ્રાઇસ ફોર અવર સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, કરેગે હમ લોગ. અભી તો મેં હંમેશા એચા એક વિચાર કરતા હું, મહાપ્રભુ મેં ઇન્દ્રતૃપ્તિ કિયા હૈ, મેં ઉસકી કિંમત પૂરી તરહ સે સ્વીકારૂંગા, પૂરી તરહ સે સ્વીકારૂંગા, પૂરી તરહ સે જવાબદારી કરૂંગા, ક્યુંકિ મુજે સમજના હૈ કે ઇસકે આઈ મેરી ઇન્દ્રતૃપ્તિ કી ક્યા કિંમત દેની પડતી હૈ. લેકિન એક ચીજ તો કરના હૈ મુજે, કે મેરે કો ઇતના કન્વિક્શન દે દો કે અભી રિપીટ નહીં કરના. સોરી પ્રભુ, એવરીબડી એગ્રીઝ ઓર નોટ? નહીં એગ્રી કર રહે હોગે, જવાબ નહીં બરાબર આ રહા હૈ, ઇસલિયે મુજે લગ રહા હૈ. ધ રિયાલિટી ઇઝ રિયાલિટી પ્રભુ, કબ તક જાયેગે બાત, કિતના ઘુમંડ રખેગે, કિતના હિપોક્રસી બતાયેગે, કિતના ગોલ ગોલ બાતે કરેગે, કિતના ઘૂમેગે, જિતના વો સબ કરેગે ઉતના કૃષ્ણ સે દૂર જાતે રહેગે. યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ઇટ. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ, સો નાઇસ ઓફ યુ પ્રભુ, પ્લીઝ ટોલરેટ મી, બટ આવો મેરે સાથ જો, મુજે ભક્તિ મેં મદદ કરો પ્રભુ. વંશ કલ્પ તરુ વૈશા કૃપા સિંધુ મે વચ, પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ, અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય.